पुलिस पास चोर मास्क, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद में लगातार चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला थाना मजोली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां बीती रात चोरों ने एक वाहन को निशाना बनाया और लाखों का माल उड़ा लिए गए। देखने वाली बात यह है कि घटना स्थल से चौकी की दूरी मात्र 500 मीटर है, उसके बाद भी चोरों के हौसले बुलंद रहते हैं। अब देखना ये होगा क्या पुलिस इस चोरी का खुलासा कर पाएगी या नहीं। अपने सहयोगी हेमंत शुक्ला के साथ कुलदीप सिंह, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। मुरादाबाद में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला थाना मजोला क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां बीती रात चोरों ने अदानी विलमार कंपनी के सामने खड़ी गाड़ी में से लाखों रुपए का माल उड़ा लिया और फरार हो गए। देखने वाली बात यह है कि घटना स्थल से पुलिस चौकी की दूरी मात्र 500 मीटर भी नहीं, उसके बाद भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि एक गाड़ी गुजरात से चलकर मुरादाबाद अदानी विलमार कंपनी पर पहुंची और कुछ समय बाद गाड़ी में से चोरों ने लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। जब इसकी जानकारी ड्राइवर को मिली तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। जगबीर है जी। जगबीर, क्या मामला था पूरा? जी रात में ये चोरी हो गई थी जी, मैं 3 बजे आया था सवेरे। 3 बजे के बाद मैंने चौकीदार को उठाया, एंट्री करने से मना कर दिया चौकीदार ने। चोरी कहाँ और कैसे हुई थी? चौकीदार, मैंने यहाँ गोदाम के सामने गाड़ी लगाई थी आने के बाद। तो गाड़ी आपकी कहाँ से आई थी? गाड़ी आई थी जी गुजरात से। गुजरात से? गुजरात से, मुद्रा से। अच्छा, तो लगभग कितने की चोरी हुई होगी जी? कम से कम 35 रुपये और 25-30 रुपये की निकल गई। अच्छा, तो यहाँ के आपने चौकी में थाना इंचार्ज को सूचना दी? हाँ जी, सवेरे गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? बोल रहे थे जी अभी कार्रवाई करेंगे।